बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के वीडियो बताने वाले हैं। जो भी छात्र देखो ये अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है, आप देख रहे हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है और ये पेपर देख सकते हो सरोज वर्मा ने भेजा है हमें, ठीक है। तो जो अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप भी अपना पेपर के ऊपर नाम लिख कर भेज सकते हैं ताकि मैं आपका नाम बोल सकूँ। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और जो मैंने कहा था वही क्वेश्चन पेपर में पूरे फंसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कितना परसेंटेज फंसा है वो हम लास्ट में निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं। यहाँ बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। ये देखो 2022 का पेपर है तो पेपर सभी यूनिवर्सिटी के लगभग ऐसे ही बनेंगे। जिसके यूनिवर्सिटी का अभी तक पेपर नहीं हुआ है, बॉटनी का पेपर नहीं हुआ है फर्स्ट पेपर, तो पूरा देख के जाना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन 2022 में रिपीट होंगे बार बार, क्योंकि आप लगा सकते हो कि 10 से 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एग्जामर पूछ रहा है आपसे हर पेपर में, तो पेपर इंपोर्टेंट ही तो पूछ रहा है सिलेबस के आधार पर। लगभग यूपी का सिलेबस सेम टू सेम है यूपी बिहार एमपी का और कह सकते हैं यूके का, ठीक है। तो आप सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर लो, जो क्वेश्चन हम लोग बताते हैं वही क्वेश्चन पढ़ा करो, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको अब दिखाने वाले हैं जो हमने आपको 85% प्लस की जो बात करते हैं वो कितना फंसा है, ये सच है या नहीं, वो सच करके दिखाने वाले हैं। और हमने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे कुछ दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले, आप देख सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सबसे ऊपर वीडियो होगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि जो हम देते हैं वही पेपर में आता है, ठीक है। तो यहां देखो ये देख सकते हो कि सरोज वर्मा ने हमें इस पेपर को भेजा है। अब हम दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने हैं बॉटनी में फर्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं। देखिए बॉटनी का फर्स्ट पेपर ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। यहां 50 नंबर का पूरा पेपर हुआ है, 3 घंटे में आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं, देखो हमारा सेक्शन नंबर ए में पहुंचते हैं बेटा। सेक्शन नंबर ए में हमसे बोला गया है कि जो आप आंसर देंगे वो 50 वर्ड में होना चाहिए। आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, मतलब कि 10 क्वेश्चन करेंगे आप एक नंबर के हिसाब से आपके 10 नंबर के हो जाते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हर्बेरियम, हर्बेरियम टेक्नोलॉजी। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है, करने की तरीका बताइए। पूरा क्वेश्चन फंसा है एक नंबर का मुझे बता दीजिए, बिल्कुल फंसा है। उसके बाद में आप देख सकिए लीलियस वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दो तीन गुण बताने हैं, मतलब कि एक नंबर का पूरा फंसा है। देखियो लीलियस द्वारा किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। वर्ग कुल ये गण वगैरह लिखे जाते हैं तो वो उसके बारे में तीन गुण बताने हैं, ठीक है। तीन गुण आप लिख सकते हो बड़े आराम से, ये क्वेश्चन फंसा है। अब ये देखो यहां बोला गया है जो फाइलोक्लेड लिखा है, फाइलोक्लेड ये मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप नीचे वाले इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो रुडेसी कुल का पुष्प आरेख बताना है, मतलब कि पुष्प का आरेख पुष्प का चित्र बनाना है जो रुलेसी कुल का पुष्प होता है, ठीक है। वो देखो ये क्वेश्चन पूरा फंसा है, रुलेसी कुल मालवेसी कुल ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट दिए थे। अब ये क्वेश्चन देखो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री बनता तने मंत्र, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था, देख लीजिए। वर्गीकरण के महत्व आप जानते हो, क्लासिफिकेशन के महत्व क्या होते हैं, आप जब किसी भी प्लांट को एक वर्ग में रखते हैं तो उसके क्या महत्व है यार, तुम उसको वर्ग के मतलब जो प्लांट होंगे उसे आसानी से पहचान लोगे, ये तो महत्व है ना, उनकी विशेषताएं एक जैसी होंगी तभी तो क्लासिफिकेशन के होगे। भाई देखो एम्फियोक्स यहां देखो एम्पलोमैक्स या जो आप दे आसंगजनन से बोलते हैं एपोमिक्स बोलते हैं, एपोमिक्स पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है जो मैं उनको इंपोर्टेंट हर बार में कहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन हर बार आता है और हर यूनिवर्सिटी में छपेगा ये क्वेश्चन, याद रखना क्योंकि ये पूछता है उससे, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। और जो हमने 2022 में दिए थे वही पूरे रिपीट हुए हैं, इसको कह सकते हैं कि पेपर आपका लीक हो गया था पहले ही, समझ सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन वही फंसे हैं। अब ये देखिए ये आ गया लिबरेसी कुल, ये भी मैंने आपको पुंगेसर के बारे में बताया था, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है। देखिए द्विजीपद भूभरण कोश पूरा क्वेश्चन भाई फंसे, जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे द्विजीपद जो कह सकते हैं द्विजाणु जो भ्रमण कोश होते हैं पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है। अंतर देखो यहां बोला गया अंतर और अंता पुलिंग में अंतर, जो कैम्बियम होते हैं कैम्बियम कैसे तैयार किया जाता है, कैम्बियम होता क्या, पूरा क्वेश्चन भाई फंसा है। इनके दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप के बारे में यहां पूछ लिया, मतलब कि लगभग में आपका एक क्वेश्चन देखो ये वाला छूटा है, बाकी सारे 9 के 9 नंबर तो आपके यहां बने हैं, 9 नंबर का पूरा फंसा है, आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन फंसा है जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। सेक्शन नंबर बी में पहुंचो जो शॉर्ट क्वेश्चन है लघु त्रिपिटक बोले जाते हैं, 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है, लगभग आपको 2 पेज भरने होंगे, ठीक है, इधर उधर के पलट भर दो काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ओके। अब यहां बोला गया है देखियो एक है प्रांटल्स जो सिस्टम होता है उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए आपसे बोला गया, यहां आपसे बोला गया है देखो कह सकते हैं जो
एंगलर होता है और प्रंटल होता है, उनके गुण दोषों के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन यहां बात की जाए ये वाला क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 करना है 25 नंबर के हो जाएंगे, या कुल बमले से कुल, ये मैंने आपको दोनों ही इंपोर्टेंट नहीं दिए थे, छोड़ दीजिए ये हम दोनों नहीं फंसे, खत्म करो उसको, 5 नंबर हमारी कम करेंगे हलो, ठीक है। यहां देखो दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन पूरा क्वेश्चन फंसा है, 5 नंबर का लगा दीजिए, ये ना करना चाहे तो आप ये कर सकते हैं, नीचे वाला इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसको भी छोड़ दीजिए, ऊपर वाला करिए 5 नंबर का पूरा मिल जाएगा। चौथे क्वेश्चन पूछे, यहां आपसे पूछा गया है देखो एक्सेसरी जो कुल होता है उसके महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में पूछा गया, आप ये क्वेश्चन ना करना चाहें तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आवृत जो आवृतजीवी पौधे होते हैं उनके बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो आपको कह सकते हैं एपिडर्मल जो ऊतक होते हैं उनको टिश्यू सिस्टम बोल सकते हैं इसको, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना था, पूरा 5 नंबर का फंसा है, ये भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था। वहीं देखो मालवेसी कुल के महत्व के बारे में पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, 5 नंबर का ये लगा सकते हैं। उसके बाद में आप ये ना करना चाहें तो आपके द्वारा पीढ़ी, देखो कह रहा है पीढ़ी गई, पीढ़ी हुई किसी जो द्विपत्री कुल होता है उसके वर्णन अर्धन और तकनीकी बारे पूछा गया, तो आप सबसे हिसाब से ये कर दीजिए जो मालवेसी कुल का होता है। मैंने ये जो कुल होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई आपको इंपॉर्टेंट देता हूं और वही पेपर में छपता है, आप देख सकते हैं केवल एक 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंसा है। अब इसको देखो छठे क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहां बोला गया है कि पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए किस प्रकार का रूपांतरण होता है, मतलब मान लीजिए कि बाष्पोत्सर्जन को कैसे रोकना है, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है वो भी आपको मैंने बताया था, बाष्पोत्सर्जन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब बाष्पोत्सर्जन कैसे रोक सकते हैं उसका विपरीत लगा दो, या आप ये क्वेश्चन ना करना चाहो तो ये विगलन कह सकते हो, जो विगलन वाला है आप देख सकते हो, अब्सॉर्प्शन बारे के बात करने वाले हैं, एक्सप्लेन इट कराना है आपको, आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है विगलन के बारे में, तो ये भी पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन फंसा है, आप देख सकते हो, मतलब कि एक 5 नंबर का नहीं फंसा था, मतलब कि 5 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, 25 नंबर के हो गए थे आपके, 4 क्वेश्चन फंसे, तो 20 नंबर का ये फंस गया, देखो 20 नंबर के यहां से और 9 नंबर का वहां बैरी शॉर्ट में फंसा था, टोटल हो गए बेटा 29 नंबर, ठीक है। अब पहुंचो लॉन्ग क्वेश्चन में, अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको करना है और यहां कह रहा है 2 क्वेश्चन करोगे 7.5-7 नंबर के 15 नंबर मिलेंगे, 500 वर्ड में आंसर लिखना होगा, लगभग मैं आपको 3 पेज भरने हैं बेटा, 3 पेज भरने हैं कह सकते हैं। ये राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का पेपर है, आप देख सकते हो, और मैंने जो कहा था वही पेपर में आए, सारे क्वेश्चन वही आए हैं, देख सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन साथ में देखो, लॉन्ग क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन फंस गया, बैंथम और हुक्कर के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो क्वेश्चन इसमें लॉन्ग में नहीं पूछते हैं, 7.5 नंबर का क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। 1 नंबर 7.5 नंबर हो गया, ऊतक टिश्यू सिस्टम क्या होता है, प्लांट में वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, पूरा 7.5 नंबर का ये फंस गया, ये दोनों कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी ना करना चाहो तो आप डेवलपमेंट जो होता है मेल गैनोटोफाइट्स जो होता है युग्म, जिसे कह सकते हैं युग्म कोविंद बोलते हैं, का विकास कैसे होता है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये भी मैंने मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया था, ये दोनों, ये देखो मेल पूछ लिया इसने। अब यहां देखो यदि वो ना करो तो मेरिस्टम कर सकते हो, विभाजकत्व किसे कहते हैं, तो उसके बारे संरचना कार्यों के बारे में ये क्वेश्चन देखो पूरा फंसा है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन वही आए जो हमने बताए थे। देखो बहुप्रणता किसे कहते हैं, पूरा क्वेश्चन वही आया जो हमने बताए हैं, तो ये भी आपका जो दिल करे 5 में से 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लगा सकते हो कि पूरे 15 नंबर तो ये फंसे और 29 नंबर वो, कितने होगा बेटा आप, वो 4 हासिल 1 और 3 और 1 4 44 नंबर फंसे हैं, मतलब कि 44 नंबर का पेपर पूरा हुआ है, और किस नंबर का था 50 नंबर का था, इंटू कितना करना है 100 से, 50 दूनी कितना हो गया इतना है, 88% फंसा है, आप तुम लगा सकते हो कि 88% पूरा फंसा है, मतलब कि कुछ भी हो जाए जो हमने बताया वही आ रहा पेपर में, छप रहे हैं पेपर, ठीक है, क्वेश्चन छप रहे हैं। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो क्वेश्चन हमने अभी बताए हैं आपको बता रखे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है, बस वही पढ़ना, कुछ और मत देखना, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, कोई दिक्कत तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। और हमारा एक न्यू चैनल है खिलाड़ी भैया एक्स वाई, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स भी हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।